हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बिहार सेवेंथ फेज शिक्षक भर्ती में जो है गुड न्यूज आ चुका है अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए कि अब वो जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि एक बार डिटेल से हम आपको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या जो है बेनिफिट मिलता है, क्या क्या जैसे एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिटेशन क्या है उसके बारे में आपने क्वेश्चन किया है, सिलेबस आप जानना चाहते हो कि आप क्या है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो है आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या पीजीटी का जो है क्या आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे जो है ये वीडियो लाया गया है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं या फॉर्म फिल करने से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉमेंट करके बिल्कुल बता दीजिएगा, कोई भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। चलिए आप देख सकते हो मेरे पीछे एक एक चीजें छोटी छोटी चीजें हम समझेंगे ताकि कोई मिस्टेक ही ना हो। सबसे पहले एज लिमिटेशन जो आयु सीमा होती है उसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का यही आ ही रहा है। तो देखो यहां पर बता दिया गया है सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा जो है 1/8/2023 तक होगी। जैसे जनरली जो है जनवरी रखा जाता है लेकिन यहाँ पे 1/8 यानी 1 अगस्त तक का रखा गया है, ठीक है, वहीं तक आपको निकालना होगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक जो कि आप लोगों को फॉर्म फिल करना है 1 to 5 वाले आप कर रहे हो, और तिथि जो है 1/8/2023 को, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, मतलब 1/8/2023 तक आपका मिनिमम जो है 18 ईयर्स जो है होना चाहिए, तथा माध्यमिक एंड उच्च माध्यमिक के अध्यापक के लिए जो है उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम है। तो आप लोगों के लिए प्राइमरी में मिनिमम एज जो है 18 है, ठीक। अधिकतम आयु जो है पुरुष वर्ग के लिए, देखो क्योंकि यहाँ पे जो है बिहार में महिलाओं को थोड़ा सा बोल सकते हो कि फैसिलिटी सुविधा दी जाती है, तो अनारक्षित यानी कि आप लोग का जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं मेल है उनको 37 साल उनका जो है रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला को जो है 40 वर्ष, यानी कि जनरल कैटेगरी की महिला का जो उम्र रखा गया है वो आपका रखा गया है 40 इयर्स। एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिलाएं एंड पुरुष है उनका 42 इयर्स है, ठीक है। सेवानिवृत्त की आयु जो है 60 वर्ष निर्धारित है। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को बता दी गई है क्लियरली, इसमें कोई जो है चीजें आपको छुपी नहीं है, तो आप अपना एज जरूर देख लेना इसमें। अब आ जाते हैं इसमें भी, इतना होने के बाद ये जो आपको रूल बताया गया इसमें भी आपको जो है छूट मिलेगी, आयु सीमा में छूट है। किस किस को छूट मिलेगी भाई? तो यहां पर आप लोगों को जो है पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संवेहार में अधिकतम आयु 10 वर्ष की छूट, जो पहले से जो है नियुक्त है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो है छूट के लिए है आप लोगों का, माध्यमिक के लिए है, आपको जो चाहिए वो चाहिए प्राइमरी के लिए, तो हम प्राइमरी वाले में बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि क्या आप जो है पीजीटी टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो नहीं, देखो क्यों नहीं कर सकते हो रीजन जान लो, क्योंकि बिहार में एस्टेट होता है, 9, 10, 11, 12 के लिए एस्टेट कंडक्ट किया जाता है। तो जो लोग यहाँ पे सीटेट नहीं चाहिए होता है 9 to 12 में, यहाँ पे ये एस्टेट मांगता है, तो ये एस्टेट जो है क्लियर अगर रहता है तभी वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो फिर आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे कि यहाँ पे स्टेट का एक टेट लिया जाता है जिसको सुपर टेट बोल सकते हो, वो टेट लिया जाता है, जो उसको पास करता है वही 9 to 12 फॉर्म फिल कर पाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग जो आप लोगों का जो है रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है 1 to 5 का, ठीक। 1 to 5 पे जरूर फोकस करना क्योंकि उसमें आप भी देख रहे हो कि 80,000 वैकेंसी है, एक दो वैकेंसी नहीं 80,000 है, और सिलेबस उतना कोई खास टफ नहीं है। हाँ जीके पे कमांड करना पड़ेगा, सामान्य अध्ययन जो है इसमें दिया हुआ है, जीके आपका अच्छा होना चाहिए तभी हो पाएगा। बाकी और कोई भी चीजें जो आप लोग टीचिंग से और ये सबसे डरते थे वो सब चीजें नहीं दी गई है। चलिए यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। सिलेबस में जो है दो भाग होंगे, एकदम समझना, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज यहीं पे हो रहे, दो पार्ट में जो है सिलेबस दिया गया है, ठीक है।
पहला पार्ट जो है आप लोगों का लैंग्वेज का होगा, पहले पार्ट में आप लोगों का भाषा का टेस्ट होगा। अब आप बोलोगे कौन सी भाषा, जो आप लेना चाहोगे। पहली भाषा फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। 1 से 25 तक में 25 क्वेश्चन जो है आपकी अंग्रेजी भाषा की रहेगी। देख लो, भाग एक में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान कॉमन होगा, ये कंपलसरी है, इसको चेंज नहीं कर सकते। लैंग्वेज 1 आपका कंपलसरी रहेगा। लैंग्वेज 2, जो भाषा 2 रखना है उसमें आप चुन सकते हो किस किस में से। हिंदी या तो ले सकते हो, या तो उर्दू ले सकते हो, या तो बांग्ला ले सकते हो। इन तीनों में से कोई एक भाषा आप ले सकते हो। और इसमें रहेगा 75 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 75 क्वेश्चंस रहेगा। तो ये 75 और 25 मिलकर कितने हो गए? 100। तो ये जो आपका पहला भाग है ये 100 क्वेश्चंस का है। लेकिन एक बात याद रखो, इसका जो है मार्क्स आगे नहीं जाना है। यहां देखो, इस पत्र का अर्थांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो, ये भाग 1 वाले में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग को लेकर इसीलिए कंफ्यूजन भी हो रहा है, निगेटिव मार्किंग को लेकर के भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो भाग 1 है इसमें आपको पास होना जरूरी है, 30% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये 100 में से 30% आपका मार्क्स होना चाहिए, ये कंपलसरी किया गया है। अब ये पास करोगे तभी आप जो है भाग 2 का एग्जाम दोगे, या नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम। तो ये आपका जो है, या आपका जो है कंसिडर किया जाएगा पेपर भाग 2 वाला। आइए, इसमें 30% जो है कंपलसरी अनिवार्य दे दिया गया। अब आ जाते हैं मेन, यहां पर एग्जामिनेशन है आप लोगों का। प्राइमरी वाले को लेकर के 1 to 5 वालों को मैं बता रही हूं, ये मैं बता दूं आपको। इसमें जो है ये एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है? कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन 120 होंगे। यहां पर देखो, 1 से 5 के लिए इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें गणित यानी मैथ्स पढ़ना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मैथ्स करेगा, बहुत ही जनरल मैथ्स रहेगा, जो कि सीटेट में भी आप पढ़ भी रहे हो वैसा ही रहेगा, ठीक है? 1 to 5 के लिए तो समझ लो, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड जो है थोड़ा सा रहेगा, मेंटल आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपका आ जाता है सामान्य जागरूकता, ठीक है? जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिर जनरल साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब हिस्ट्री आ गया, भूगोल रहेगा, फिर आपका पर्यावरण रहेगा। तो ये बस आपको पढ़ना है। देखो, ये कहने को तो रियली में बस लग रहा है, लेकिन जीके आ गया है तो जीके कभी भी बस नहीं होता है, वो थोड़ा सा वाइड है, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली पढ़ना होगा। लेकिन यहां पे हिंट भी दे दिया गया है कि आपको कहां से पढ़ना है। आपको SCERT से संबंधित रहेगा ये, सभी का सभी जो है SCERT, जो बिहार का SCERT है, बिहार की बुक्स है, उससे आपको क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पे आपको हिंट है कि आपको 1 to 5 वाला SCERT का बुक आप पढ़ लो तो आपको फायदा होगा, ठीक? वहां से आपको मिल जाएगा। और इसकी के लिए जो है आप लोगों को, जैसे कि यहां पे बात हो जाता है मैथ्स का, मैथ्स भी 1 to 5 का SCERT का बुक अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। मानसिक क्षमता परीक्षण, थोड़ा सा रीजनिंग है, थोड़ा सा आपको थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा। सामान्य जागरूकता, जो जनरल अवेयरनेस है, जो अभी चल रहा है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा GS का। तो ये आगे के आप उधर का पीछे का 2 महीना, पीछे का 6 मंथ्स का ले लेते हैं तो उसको हम कवर करते हैं, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस रहेगा, तो ये भी जनरल साइंस आपको, ये नहीं कि 9-10 का लेकर के बैठ जाओगे, 1 to 5 में जनरल साइंस जो रहता है वो, इसी में जो है सामाजिक विज्ञान जनरल साइंस, राष्ट्रीय आंदोलन, अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा वास्ट ले जाएगा आपको। फिर उसके बाद से ज्योग्राफी है, EVS है, ये सारी चीजें है। तो ये आप लोगों का जो है 120 नंबर वाला जो ये क्वेश्चन है, 2 घंटे का जो ये एग्जाम है, ये आप लोगों का जो है होने वाला है अच्छा खासा, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। अब बात हो जाती है नेगेटिव मार्किंग की। तो देखो भाई, यहां पर आप लोगों को पहले थोड़ा नीचे भी बता देती हूं, फिर नेगेटिव मार्किंग पे मैं लेकर आती हूं आपको। यहां पे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को लेकर 9-10 वाले लोगों के लिए भी वही है, 2 भाग में बांट दिया गया है, इनका भी उसी तरह से चलेगा, ठीक है? यह भी वही है। फिर यहां पर उच्च माध्यमिक यानी 11-12 वाले लोगों के लिए ऐसे ही है। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर के। अभी देखो, यहाँ पे आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, मतलब क्वालिफाइड के लिए चाहिए कितना, तो यहाँ पे बोला गया सभी अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी, सभी विद्यालय अध्यापक, इसमें प्राइमरी भी आ रहा है, ठीक है? और इसके बाद जो है ऋणात्मक यानी निगेटिव मार्किंग जो है अंक दिए जाएंगे, जो आप 120 वाला दोगे उसमें निगेटिव मार्किंग जो है आपका रहेगा।
यहाँ पे पहला वाला पार्ट जो है उसमें नहीं रह रहा है, दूसरे वाले पार्ट में निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो आपको सोच समझ के करना है। अब आ जाते हैं कि किसको कितना जो है लाना है। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उन लोगों को जो है 40% लाना है, ठीक है। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं तथा निश्चित दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता जो है लेने की बात कही गई है, नहीं तो फिर आप एग्जाम से जो है बाहर हो जाएंगे। तो ये पूरा जो डिटेल आप लोगों का है, अच्छा इसमें कोई भी किसी तरह का इंटरव्यू ये सब नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बनेगा, मेरिट के ऊपर जो है आप लोगों को जॉब मिलेगा, जिसका जितना अच्छा मेरिट बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को मैरिट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, आप चाहते हो जानना चाहते हो कि भाई बिहार में मैरिट कैसे बनता है, कौन कौन से मार्क्स इंक्लूड होंगे, कैसे बनेगा, तो आप बिल्कुल हमें इस वीडियो में कमेंट करना। हम मैरिट के लिए भी जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप अपना मैरिट खुद से देख सकते हो कि अगर मुझे ये एग्जाम में को कितना फोकस करना है, कितना मार्क्स लाना होगा, और बाकी आपकी जो एकेडमिक है उसमें आपका कितना बन रहा है। तो मैरिट के लिए बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप कि ये सिलेबस वाला चक्कर जो ए और बी में आप कंफ्यूज हो रहे थे पार्ट वन पार्ट टू में, वो दूर हो गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।